कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, उससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। हमेशा कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। उसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्यों बनेगी। मान लो कि ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में होगा फोकस। ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने की तरफ रखना है। मान लो कि आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसकी इमेज कहां बनेगी ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एक लाइट रे को हम इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर देंगे। ये वाली जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से आती हुई अपीयर होगी। अपीयर ही हो सकती है क्योंकि रिफ्लेक्ट तो यहां से ही होगी, रियल में तो पास होगी नहीं, है ना। तो ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से आती हुई अपीयर होगी। इसको बैकट्रेस करोगे तो फोकस पे ये मिलनी चाहिए। एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट करेंगे। तो ये वाली जो लाइट रे मैं ले रहा हूं, ये देखो ये रिफ्लेक्ट तो इधर से ही हो जाएगी, लेकिन इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि आगे बढ़ाने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे मिरर की सरफेस पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। अब ये जो लाइट रे है ये क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर हो रही है, या ये मान लो कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी तरफ इंसिडेंट हो रही है, इसलिए परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, और परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो रिट्रेस हो जाएगी, वापस चली गई ऐसे टकरा के। तो रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है भाई, ये लाइट रे ऐसे गई टकरा के वापस आ गई, ये वाली जो लाइट रे है ये ऐसे गई टकरा के इधर चलेगी। तो ये दोनों लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको देखो, क्या ये आगे कहीं पे मिल सकती है क्या, ये तो दूर होती जा रही है। तो हमेशा क्या करेगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके ऊपर जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी तो ये उनको डाइवर्स करने का काम करेगा, इसलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका एक और नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। अगर डाइवर्जिंग मिरर बोले तो भी आपको समझ जाना है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, मतलब उनको कन्वर्ज करने का काम करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा, इसलिए उसको कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है। देखो ये लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, इसको ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट कर दिया तो इधर चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो रही है ये, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती जा रही है, दूर होती जाएगी ना। तो ये क्या करेगा, डाइवर्ट करने का काम करेगा। तो ये जो लाइट रे जब भी इसके ऊपर इंसिडेंट करोगे हमेशा डाइवर्ट करेगा, तो ये आगे जाके कभी भी नहीं मिल सकती। तो इनको हमेशा जब बैकट्रेस करोगे ना तब ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगी। जैसे इनको देखो, ये लाइट रे ऐसे जाके ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर आप बैकट्रेस करते हो तो ये यहाँ पे मिलती है, यानी कि यहाँ पे ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश, और उसको जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाओगे इस लाइन को, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बी डैश। तो यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है बताओ, वर्चुअल इमेज बन रही है। अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में मिरर के रेस्पेक्ट में आप एक और कमेंट कर सकते हो कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा मिरर के सामने की तरफ ही बनती है। अगर रियल इमेज होगी ना तो मिरर के साइड सामने की तरफ बनेगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे उसी साइड में बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। तभी तो उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हम, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते, सिर्फ देख सकते हो मिरर में। अगर आप इधर से देखोगे ना, इधर से आप मिरर की तरफ देखोगे तो आपको इतनी सी एक इमेज दिखाई देगी इसमें, छोटी सी, जो ऑब्जेक्ट की साइज में छोटी होगी। जैसे अपना जो चम्मच होता ना चम्मच, तो उसका उसको इस तरीके से पकड़ना कि उसका जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, ये उभरी हुई सरफेस है, वो आपकी तरफ हो, उसमें आप अपना चेहरा देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो छोटा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कौन से मिरर की तरह काम कर रही होती है उस टाइम पे, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे क्या याद रखना है हमको कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। चलो ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन उसी टाइप से करेंगे। मिरर फॉर्मूला के लिए आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्या? क्योंकि इनमें ये एंगल कॉमन है, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी दोनों में ये एंगल कॉमन, और एक एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या चीज सेम होगी, साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होगा बी डैश सी अपॉन बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। और इसी तरीके से आप दो सिमिलर ट्रायंगल्स और फाइंड करो। उसके लिए आपको एक लाइट रे को पोल के ऊपर इंसिडेंट करना पड़ेगा। ये लाइट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर,
ये एंगल भी इसी के बराबर होगा, इसको भी मैं आई लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है लेकिन इसको आई के बराबर है इसलिए मैंने आई लिख दिया है। बैक ट्रेस करोगे तो ये लाइट रे कहाँ से आती हुई अपियर होगी, ए डैश से, भी आपको होता है ना ए से जितनी भी लाइट रे जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद में एक ही पॉइंट से पास होंगी या पास होती हुई अपियर होगी। तो ये देखो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसकी इमेज ए डैश बी डैश पे बन रही है, इस ये लाइट रे आई टकराई, टकरा किधर चलेगी बैक ट्रेस करने पर ए डैश पे मिल रही है। इसमें भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको पता करने थे, देखो ये आई है और ये भी आई है, बराबर एंगल है, इसके सामने ये भी क्या होगा आई के बराबर होगा, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है आई है। और आप देख रहे हो कि ये जो ट्राइंगल है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इनमें ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये एंगल 90 है इसमें ये एंगल 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनमें साइड्स का रेशियो क्या लिख सकते हो आप बराबर लिख सकते हो, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होगा बी डैश पी अपॉन बी पी, क्या आएगा बी डैश पी अपॉन बी पी के बराबर आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर एकदम, अरे बोलो। तो सेम प्रोसीजर है, जब भी आप मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हो हमेशा दो काम करते हैं अपन, दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करते हैं, है ना भाई, दो केस बनाते हैं मतलब जिसमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हो अलग अलग, और दो इक्वेशन बन जाती है फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर पुट कर दो, मतलब हम लिखेंगे बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा बी डैश पी अपॉन बी पी, और फिर वापस से वही काम करना है कि बी डैश सी और बी सी इन दोनों को पोल से मेजर करना है, तो बी डैश सी तो ये वाली डिस्टेंस है, बी डैश सी ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको पोल से कैसे मेजर करोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हो पी सी माइनस पी एफ, इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या लिखेंगे, देखो बी डैश सी को हम लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश लिखेंगे यहाँ पे, चलो ठीक है। इसी तरीके से BC को फाइंड कर लो, BC ये वाली डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसको क्या लिख सकते हो BP प्लस PC, है ना, ये जो BC है इसको क्या लिख सकते हो BC टोटल डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हो BP प्लस PC, समझ में आ गया ये, और ये वैल्यूज इस पे पुट करके सॉल्व करो। बी डैश को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PC माइनस PB डैश, और BC को क्या लिखना है BP प्लस PC इक्वल टू क्या जाएगा बी डैश पी अपॉन BP, ये आ गया, और उसके बाद में आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे डायग्राम में देख के बताओ कि कौन कौन सी डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेनी है, कौन कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है U, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो हमेशा नेगेटिव होती है, सामने की तरफ रखोगे तो ये नेगेटिव, इधर उल्टा चलना पड़ेगा ना। और बी डैश पी यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने जाओगे तो आपको पोल पे खड़े होके इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चलना है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन, तो लेफ्ट टू राइट चलना पड़ रहा है तो वी क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, पी सी भी क्या रहेगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसको भी फ्रंट में आगे की तरफ ही मेजर कर रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाती है ये भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पी सी को लिखना है प्लस आर, पीबी डैश को क्या लिखना है पीबी डैश को लिखना है प्लस वी, बीपी को क्या लिखना है माइनस यू, पीसी को क्या लिखना है प्लस आर बराबर बी डैश पी को प्लस वी और बीपी को माइनस यू लिखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस यू आर प्लस यू वी और ये माइनस इक्वल टू आएगा माइनस यू वी प्लस वी आर, UV को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2UV, ये उधर चला जाएगा तो ये बनेगा UR प्लस VR, और ओवरऑल फाइनली इसी स्टेप को UVR से डिवाइड कर देना है। जब हम इस इक्वेशन को UVR से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन R, ये बनेगा 1 अपॉन V, ये बनेगा 1 अपॉन U, और 2 बाई R को क्या लिख सकते हो 1 बाई F, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, 2 बाई R को 1 बाई F लिख दोगे तो ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। तो कोई भी टाइप का मिरर हो आपको फॉर्मूला तो एक ही याद करना है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, फॉर्मूला तो वही है लेकिन इसमें वैल्यूज अलग अलग टाइप से पुट करी जाती है। जैसे ये बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर है तो आप समझ जाओगे कि फोकल लेंथ की वैल्यू इसमें पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखनी है, जैसे ये बोले कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ की वैल्यू, जैसे आपको बोले कि इतनी फोकल लेंथ का एक कॉनकेव मिरर है
तो उस फोकल लेंथ की वैल्यू जब आप सॉल्व करने के लिए पुट करोगे तो उसको नेगेटिव सिंबल लगा के पुट करना है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा।